सजना सबरना सेगमेंट विच एक बार फिर साडे नाल ने साडे ब्यूटी एक्सपर्ट इंदिरा आलूवालिया जी। इंदिरा जी वेलकम टू द प्रोग्राम। हेलो इंदिरा जी, आज मैं तुहाडे तों पुछना चाहनी आ कि असी जिहड़े एस्ट्रिंजेंट्स अपनी स्किन दे उत्ते इस्तेमाल करदे आ, इहनां दा की यूज है? देखो जिहड़े एस्ट्रिंजेंट्स हुंदे ने, मतलब टोनर्स, चाहे वह एस्ट्रिंजेंट है, स्किन टॉनिक है, स्किन फ्रेशनर है, इहनां दा काम हुंदा है कि इह तुहाडी स्किन दे विच एक ब्लड दा सर्कुलेशन वधांदे ने, तुहाडे पोर्स नूं टाइट करदे ने, और थोड़ी जी एक्स्ट्रा ग्रीस जिमें तुसी क्लिनजर को पहले यूज़ किया है या कुछ किया उसकी ग्रीस नू रिमूव करते हैं, एंटीसैप्टिक भी होंगे है एंड नैचुरली दे गिव ग्लो ऑलसो। बड़ा ही जरूरी है कि जो तुसी फेस क्लीन करते हो या डीप क्लीन करते हो उस तो बाद जरूर किया जाए, क्योंकि जिन्हें भी क्लिनजरस होंगे ने जिसने स्किन नू क्लीन करना है तो वह जो पी एच बैलेंस होंगे दे आर लिटिल एल्कलाइन। ओके एल्कलाइन होंगे जी साड़ी स्किन होंगी पी एच बैलेंस इज 5.6 एसिडिक। ओके ठीक होंगे जिन्हें असी करा वो फिर थोड़ी स्किन ड्राई जी लगती है तुम्हें जो क्लीन करन तो बाद, तो उस करके थोड़ा पी एच बैलेंस भी करते हैं जोड़े एस्ट्रिंजेंट्स ने, पी एच बैलेंस में मेनटेन रखते हैं, ज़्यादा एल्कलाइन इट कम टू द नॉर्मल। तो इंदिरा जी ये एस्ट्रिंजेंट्स असी घर बना सकते हैं? हाँ जी घर भी बना सकते हैं, यदा और रेडीमेड भी बड़े मिल जाते हैं अजकल, तो एक टाइम से पहले एल्कोहल फ्री नहीं मिलते थे, हम आजकल एल्कोहल फ्री भी मिल जाते हैं एस्ट्रिंजेंट्स। तो उसका की यूसेज होता है, मतलब विद एल्कोहल एंड एल्कोहल फ्री, व्हाट इज द डिफरेंस? एल्कोहल फ्री ज्यादा हेल्दी होते हैं तुम्हारे स्किन वास्ते। ओके ओके तो जो एस्ट्रिंजेंट है उसको किस तरह घर बना सकते? देखो जिन्ना कुकंबर है, कुकंबर जूस इज अगेन एन एस्ट्रिंजेंट। ओके या जो वाटरमेलन लेंदे हो उसका जूस होता है वह भी एस्ट्रिंजेंट है, तो तुम इन्हों किस तरह करना चाहिए जिमें कुकंबर लिए ग्रेट करके वो निकाल लो जूस पानी जूस तो उसनों, क्योंकि डेली तो तुम नहीं थोड़ा जहा पीस लैके निकाल सकते सारा कुछ, तो एक कुकंबर लैके जूस निकाल के तो उन्होंने गैस के उत्ते रख के ब्रिंग इट टू द बॉयलिंग पॉइंट, ज़्यादा उबालो नहीं, और जो एक उत्ते झग जी आ जाएगी जो तुम उबाल दो उस झग में ज़्यादा उबलन तो पहले तुम बंद कर दो, तो फिर उस बाद छान के उन्होंने फ्रिज रख लो। You can use this as a good toner. Okay. और इसी तरह तुसी जड़ा तरबूज आंदा है वाटरमेलन जी ऐदा पानी नहीं तुसी उन्हों एज एन एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हो, उन्हों उबालन दी लोड़ नहीं, तुसी वैसे छान के बोटल अप कर लो या तुसी उन्हों आइस ट्रे दे विच जमा दो, तो जिवें लगे एक ट्रे तुसी जमा लिए कितों बाहरों आंदे हो एंड यू नीड एस्ट्रिंजेंट, गर्मियों तो बड़ा ही यूजफुल होंदा है, उसका एक पीस निकालिया तुसी ते अपने फेस के उत्ते लगाता, इट्स अ वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट। उस तो बाद जो तुम बनाना चाहो घर एक एस्ट्रिंजेंट तुम बना सकते हो, जिमें रोजमेरी तुम ले लो ड्राए, थाइम ले लो ड्राए, तो वो बे लीफ जो तेज पत्ता इन्होंने सारे वाइट वाइन दे भिगो के रख दो, 10 मिनट पहले उबाल लो फिर एक घंटा वो भिगे रहन दो, भिज जाए जदों फिर उन्होंने स्ट्रेन कर लो, उसका पानी भी तुम एज एन वेरी गुड एस्ट्रिंजेंट यूज कर सकते हो, एंड वाला एंटी इनफ्लामेटरी भी होंगे थोड़ी स्किन पर कोई हाँ इस तरह का दाग कट फुट रिएक्शन हो कुछ वो वास्ते भी है बहुत अच्छा। तो यह जो एस्ट्रिंजेंट्स दस रहे हो यह कोई भी स्किन टाइप का परसन यूज कर सकता है? देखो जो असं होममेड बनाने दे आर नॉट वेरी स्ट्रोंग, ओके तो असी कोई भी है सारे जो दसे ने घर बनाने वाले होम रेमेडीज असी ड्राई स्किन एज वैल एज ऑयली स्किन के उत्ते भी यूज कर सकते हैं, पर एक गल ध्यान है जो साडे होममेड एस्ट्रिंजेंट्स होंगे ने तो उन्होंने सूँ लगा के तुम एक लगता है कि थोड़े फेस से कुछ एक पतली जी परत लगी हुई है, तो 20 मिनट्स बाद वॉश करना पैंदा है, पर जिहड़े दूसरे एस्ट्रिंजेंट्स यू गैट फ्रॉम द मार्केट उन्होंने तुहानू धोना नहीं पैंदा, तो जिन्हें भी एस्ट्रिंजेंट्स ने आंदा ग्रीन कलर दे आंदे ने दे आर गुड फॉर द ऑयली स्किन, एंड स्किन टॉनिक सेम सारे टोनर्स ने दे आर गुड फॉर द ड्राई स्किन, स्किन फ्रैशनर फॉर द नॉर्मल स्किन। और एक होर तुम मैं बड़ा अच्छा दसनी हाँ जिमें तुसी तुहाडी जॉब वर्क है कोई फील्ड वर्क है या गर्ल्स जिन्हां दी शादी हुंदी है बड़ी शॉपिंग ते जानी है ते इन्नी डर्ट डस्ट तुहानू पता अज पॉल्यूशन किन्नी है डस्ट किन्नी उड़दी है ते तुहाडा स्किन खराब हो जांदी, तुसी एवरी टाइम यू कैन नॉट यूज क्लेंजर, इट ओपनस अ पोर्स और फिर वो थोड़े रेसिड्यू छोड़ जांदा है, ते बड़ा बेस्ट मैथड है तुसी एक कॉटन नू गिला करके एक कॉटन स्क्वेयर कट लो गिला करके ते उहदा एक्सट्रा पानी स्क्वीज़ कर दिओ तो उद्दे उत्ते एस्ट्रिंजेंट पा के एक एयर टाइट डब्बी अपने पर्स रख लो। ओ ग्रेट तुसी और जे तुहाडी स्किन ऑयली है तो इस एक्सलेंट नथिंग लाइक इट कि कोई डर्ट डस्ट नहीं रहेगी, इन्फेक्शन नहीं होएगी,
पिंपल्स घट निकलेंगे और ड्राई स्किन भी है या कुछ डर्ट डस्ट एक्स्ट्रा जी है वो साफ करके वो एक परत लो साफ करके सुट दो एवरी आफ्टर वन आवर और डिपेंड्स पर लुक करना चाहिए टिश्यूज हां टिश्यूज वेट टिश्यूज थोड़ा स्किन नु भी क्लीन रखेगा और सारी प्रॉपर्टीज ऑन एस्ट्रोजन भी आदे विच मिलन गया जानकारी दी थी थैंक यू वेरी मच इट्स माय प्लेजर